हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 42 आ गई है बच्चों। 22 अगस्त 2020, कक्षा 6, 7 और 8। ने स्टूडेंट नेम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखेंगे। ये वर्कशीट आप साइंस की नोटबुक में करेंगे बच्चों। विद द कमिंग ऑफ मॉनसून, मॉनसून आने से वी हैव गॉट अ बिग रिलीफ फ्रॉम समर हीट। हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, शांति मिली है, चैन मिला है। किससे? समर हीट से, गर्मी से। देयर एंड देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, हर एक जगह क्या है, बिल्कुल हरियाली है। विथ सूदिड द आईज, जो कि आँखों को बहुत चैन देती है, सुकून देती है। वी हैव स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया है, टेकिंग प्रिकॉशन, सावधानी बरतना, एज मॉनसून ब्रिंग्स मैनी वाटर बॉर्न एंड अदर डिजीजेज, क्योंकि मॉनसून अपने साथ लाता है बहुत सारी पानी से फैलने वाली और दूसरी बीमारियाँ, जैसे डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया इत्यादि, ये सारी चीज़ें होती हैं इससे। प्रिकॉशंस विच वी यूजली टेक, प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं हम? वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, इस मौसम में उबाल कर पानी पिए। वी डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, ओल्ड टायर्स और ओपन वाटर टैंक्स, कहीं भी पानी जमा ना होने दें। जहाँ भी पानी खड़ा होगा बच्चों, वहाँ पर क्या हो जाएंगे, मच्छर ब्रीड कर जाएंगे, मच्छर हो जाएंगे सब जगह। लेट अस टेक अ डाटा फॉर ऑफ अ टाउन फॉर अ स्पेसिफिक वीक, एक टाउन का डाटा लेते हैं बच्चे, कितनी डिजीज़ हैं और क्या क्या, कौन कौन से पेशेंट हैं। देखिए डिजीज़ हैं, डेंगू के 86 पेशेंट्स हैं, डेंगू के 86 पेशेंट्स हैं, मलेरिया के 122 पेशेंट्स हैं, टाइफाइड के 231, चिकनगुनिया 95, फीवर 452, डायरिया यानी कि दस्त 385, कफ एंड कोल्ड खांसी जुकाम 543। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा। डाटा दिख गया बेटा, अब हमें करना है आंसर। पहला क्वेश्चन, नेम द डिजीज शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कहाँ दिख रहे हैं बच्चों आपको? मुझे तो दिख रहे हैं, देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है ये हमें देखना। इन सब में सबसे बड़ा नंबर है 543। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके हैं, क्या है 543, कौन सी बीमारी से हैं ये लोग? ये हैं कफ एंड कोल्ड, एंड कफ एंड कोल्ड कैन बी कोरोना। आपको पता है ना, कफ एंड कोल्ड कोरोना भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके हैं? कफ एंड कोल्ड। तो लिख दें बच्चे, लिखो चलो। कफ एंड कोल्ड। नेक्स्ट, नेम द डिजीज शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट। सबसे कम पेशेंट किसके हैं? लीस्ट यहाँ पर सबसे कम संख्या कौन सी है ना? आप फिर से देखो, ध्यान से देखोगे कौन सी सबसे छोटी है। आई थिंक यही सबसे छोटी है, एंड दिस इज डेंगी या डेंगू कहते हैं जिसको, ये दिस इज डेंगू। क्या है, 86 पेशेंट किसके हैं? डेंगू के, यानी मिनिमम पेशेंट्स कौन सी बीमारी के हैं? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेंगू। क्या लिखेंगे बच्चे? डेंगू। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। मलेरिया पेशेंट की संख्या कितनी है? देखो बच्चों, ये सारा दिख रहा है आपको, मलेरिया दिख रहा है, मलेरिया, ये रहा मलेरिया और ये रहे मलेरिया के पेशेंट। तो मलेरिया के पेशेंट कितने हैं? 122 पेशेंट्स, 122 पेशेंट्स। हाउ मैनी पेशेंट्स ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर। डायरिया और चिकनगुनिया के कितने पेशेंट हैं? दोनों को जोड़ना है। चलो बच्चे, डायरिया के कितने हैं? 385। कितने हैं बच्चे? 385। चिकनगुनिया के 95, तो हमें जोड़ने पड़ेंगे। 385 में हम जोड़ेंगे 95, तो यहाँ पे जोड़ लें, 5 और 5 10, 9 8 17 और 1 18, 480। तो चिकनगुनिया और इसके टोटल पेशेंट्स कितने हो गए? 480। क्या हो गए बच्चे? 480। व्हाट अदर प्रिकॉशंस शुड वी टेक ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस और लेनी चाहिए? मैं लिखवा दूं बच्चों आपको क्या क्या लिख देनी चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं चलिए। लिखते हैं बच्चों, इन द मॉनसून सीजन वी ऑल शुड
वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है बच्चे, कैसे कपड़े पहनने हैं, पूरे बाजू के कपड़े पहनने हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, मच्छर बाइट से बच सकें। अगला, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट नियर यू। अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा होने नहीं देना है। कीप द ओल्ड कूलर्स एंड पॉट्स ड्राई। जो भी पुराने कूलर हैं, पॉट्स हैं, उन सबको क्या करें, सूखा रखें ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यूज नेट्स वाइल स्लीपिंग। सोते हुए मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम डर्टी वाटर। जो गंदा पानी उसमें नहीं खेले, वहाँ जाकर कुछ ना करें, उस पानी से दूर रहें, वो पानी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये सारे मेजर्स आप ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप साफ़ सुथरे रहें, आप स्वस्थ रहें। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो फटाफट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। मिलते हैं बच्चे अगले वर्कशीट के साथ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बाय बच्चों।